स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अपोरिया क्लासेस पे। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है क्लास 12 पॉलिटिक्स की जो फर्स्ट बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का। इस बुक के अंदर अभी तक चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि कैसे ये बुक आई, उसके बाद में कैसे बुक के एग्जिस्टेंस के बाद में इंडिया जब आज़ाद होता है 15 अगस्त को वो डिस्कस किया, उसके बाद में 17 अगस्त को कैसे रेडक्लिफ लाइन आई, उसके बाद में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की डेथ हुई और कम्युनल वायलेंस वगैरह बंद हुए जो कि पंजाब और आज के बंगाल में देखे गए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बाद में हमने देखा कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह आई और प्रिंसली स्टेट्स ने कितना ज़्यादा रोल क्रिएट हुआ। लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जिनके अंदर से 1/4 पर्सन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थे और 1/3 एरिया इंडिया का प्रिंसली स्टेट्स के अंदर था। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की कि ये वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के अंडर में कैसे इंडिया के अंदर मर्ज हुई। आज हम बुक के अंदर थर्ड चैलेंज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और उस चैलेंज का नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। अब वो देखेंगे कि हम कैसे कैसे एक एक स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। अभी देखो अगर बैकग्राउंड डिस्कस करें तो बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो कॉलोनियल रूल है, कॉलोनियल रूल आप समझ रहे हो कि क्या है कि जो भी ब्रिटिश वगैरह रूल करते थे जिस पीरियड में उसी पीरियड को कॉलोनियल रूल कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो था वो हमें कॉलोनी बना के चलता था। तो वहाँ पे जब जितनी भी स्टेट्स थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस थी, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स थी। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी लैंग्वेज के बेस पे या फिर किसी एक क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड किया गया था, नहीं, वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे थी कि जैसे जैसे हम जीतते गए उनको अपने अंडर में करते गए बस। तो इसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नेशनल मूवमेंट के अंदर अपोज किया गया और कांग्रेस का जो 1920 के अंदर एक मूवमेंट हुआ था गाइस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उस मूवमेंट के पास में जब एक नागपुर सेशन हुआ कांग्रेस का, उस सेशन के अंदर कांग्रेस ने ये प्रॉमिस किया कि आज़ादी के बाद में हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएंगे। तो अब ये देखेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या कंडीशंस इमर्ज होती हैं आज़ादी के बाद तक। तो आज़ादी के पहले तक तो ये था कि हम ऐसे बनाएंगे, पर आज़ादी के बाद में सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो गया और ख़ासकर पार्टीशन ने काफ़ी ज़्यादा फियर क्रिएट कर दिया कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिए तो क्या कंट्री एग्जिस्ट कर पाएगी। तो अब देखो गाइस क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने कि ये डिमांड फुलफ़िल क्यों नहीं की गई। तो इसका पहला कारण था कि कंट्री डिसइंटीग्रेट हो सकती थी, मतलब कि टुकड़ों में बट सकती थी। जो मेन फोकस था हमारा वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर, शायद वो ना हो पाता अगर इस काम पे ज़्यादा ध्यान देते तो। और तीसरा क्या था, फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स शायद अब जाके रिवोल्ट कर देती अगर हम ऐसे करते कि उनसे, क्योंकि कई को हमने ऑटोनॉमी दे रखी थी, अगर वो ऑटोनॉमी लेते और उसके हिसाब से हम छेड़छाड़ करते तो शायद कुछ रूलर्स या फिर वहाँ के कुछ लोग रिवोल्ट कर देते। तो हमने इस वजह से अभी तक क्या किया, छेड़छाड़ नहीं की। पर अब देखो गाइस कि मूवमेंट वगैरह की जो बात थी वो कई लोगों ने इतनी ज़्यादा सीरियस ले ली कि हमें क्या करना है, एक मूवमेंट के ज़रिए से हमें हमारे जो लिंग्विस्टिक स्टेट है वो चाहिए। तो सबसे पहले आता है तेलुगु स्पीकिंग लोगों के अंदर। तो ये ओल्ड मद्रास का जो रीजन था वो है कौन सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, केरला का हिस्सा, कर्नाटक का हिस्सा और तमिलनाडु का हिस्सा। इन चार जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स का कुछ कुछ हिस्सा मिला के पहले का जो तेलुगु हिस्सा है, ओल्ड मद्रास है, वो बनता था। वहाँ से इन्होंने लोगों ने डिमांड की विशाल आंध्र मूवमेंट के अंडर में कि हमें आंध्र प्रदेश नाम से एक स्टेट चाहिए जो कि तेलुगु होना चाहिए, सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए होना चाहिए मद्रास के हिस्से में से। अब क्या होता है, ये मूवमेंट एक टाइम में पीक पे पहुंच जाता है और वो पीक क्या होती है कि पोथी श्री राममुल्ला नाम के एक आदमी थे, ठीक है, जो एक वेटरन गांधी थे और कांग्रेस के लीडर भी थे, ये 56 डेज तक लगातार फास्ट करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ से कई सारे रिजल्ट्स निकलते हैं, जैसे कि आपके सामने है यहाँ पे कि मूवमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज मासेस में फैल चुका है। मूवमेंट इतना ज़्यादा फैलने के बाद में क्या हुआ कि लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि हाँ लिंग्विस्टिक डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और
कई लोग तो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। इसी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को पुलिस फायरिंग करवानी पड़ती है, जिसके अंदर कई सारे लोग मारे जाते हैं। पर लोग जब फिर भी नहीं मानते तो पीएम को अनाउंस करना पड़ता है क्या आंध्र प्रदेश एक न्यू स्टेट बनेगा दिसंबर 1952 को। तो इसी तरह से आंध्र प्रदेश पहला ऐसा देश का लिंग्विस्टिक स्टेट बना, जो कि कब बना, दिसंबर 1952 में। आई होप सो गाइज, विशाल आंध्रा मूवमेंट के बारे में अगर आपको एक शॉर्ट नोट भी लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो यहाँ से। इसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब अगर आपको बोले कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के ऊपर 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन भी आए, तो आप क्या करो कि जो भी अभी तक मैंने ये बताया, ठीक है, ये सब आप क्या कर सकते हो, इसका एज अ बैकग्राउंड लिख सकते हो यहाँ तक विशाल आंध्रा मूवमेंट तक। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में क्या क्या था ये देखो। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई 1953 के अंदर। इसके अंदर ये था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करना है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है। अब एक एक्ट पास होता है यहाँ पे, जो जो यहाँ पे मेंबर्स थे, फजल अली जो कि कौन है, रिटायर सीजीआई मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक है एच एन कुंजरू साहब और एक है के एम पणिकर साहब। तो ये 3 मेंबर थे इसके। इन तीनों ने एक प्रपोजल दिया कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बननी चाहिए, कब, 1956 के अंदर, और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बाद में क्या होता है, जो कई सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, जैसे कि गुजरात मूवमेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट तो आपने देख ही लिया, महागुजरात और संयुक्त कर्नाटक। अब आप देखोगे गाइस, ये जो नाम है कर्नाटक, ये एंशियंट टाइम से लिया गया है, ठीक है, एंशियंट टाइम में भी इसका नाम कर्नाटक साम्राज्य ही था, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट्स आते हैं और उनको फुलफिल कर लिया जाता है। इसके बाद में इसके कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, वो आप पहले देख लो कि सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, इधर पंजाब बनता है ऊपर की तरफ, इधर आप देखो तो क्या बनता है, नागालैंड सबसे पहले बनता है। उसके बाद में ये जो भी स्टेट्स हैं, ये सभी आपको अभी याद करवाऊंगा, ये एमसीक्यूज में आती हैं, जिनको एक एक नंबर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक का ईयर याद होना ज़रूरी है, जो कि आपकी आपको मैं करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उससे पहले दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लो। अगर आप ऊपर देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि ये क्या था, हमें जो जो हमारी कांग्रेस थी उसने एक डेमोक्रेटिक डिसीज़न लिया। डेमोक्रेटिक डिसीज़न इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो सबको आज़ादी है बोलने की, और सबको आज़ादी है तभी क्या किया, ये डिसीज़न लोगों की जो डिमांड थी उस हिसाब से लिया गया और ये सक्सेसफुल भी रहा। तो जो फियर था कि कंट्री डिसइंटीग्रेट हो सकती है, वो ना हो के बल्कि क्या हुआ, कंट्री और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गई। और इसीलिए गाइस कहते हैं क्या कि डेमोक्रेसी क्या है, एक प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज़ है। अगर ये लाइन्स आप अपने आंसर्स के अंदर ऐड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन आता है। तो जैसा भी मैंने कहा कि मैं आपको अभी याद करवाऊँगा क्या कि कौन कौन सी स्टेट्स कब बनी, तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, हाँ। तो अगर आप देखो, सबसे पहले एक बाइलिंगुअल भी कॉन्सेप्ट चला यहाँ पे। बाइलिंगुअल मतलब कि दो लैंग्वेज वाले जो एरियाज हैं उनको एक ही बना दिया जाए। तो जैसे सबसे पहले गुजरात और, सॉरी गाइस,